हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसमें जो है आपका लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स एंड अदर जो है पैरामेडिकल पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें हम जानेंगे कि ये साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो कंपनी है, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, उसमें इसका जो है कितना पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, जो भी डिटेल्स है हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम इसके बारे में, कहाँ से है ये साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो कहाँ पर है, ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसका जो है नोटिफिकेशन नंबर ये है, और रिलीज कब किया गया है, 30/6/2022 को किया गया है। और इसमें जो है कौन कौन सा पोस्टें हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पोस्टें जो है सर्वेयर, तकनीक एवं पर्यवेक्षक, ग्रेड बी का जो है टोटल 45 वैकेंसी हैं, स्टाफ नर्स की टोटल 59 है, फार्मासिस्ट की टोटल 10 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन पैथोलॉजी का जो है आपका टोटल 8 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर टोटल 4 पोस्टें हैं, टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्री का टोटल 1 पोस्ट है, और टेक्नीशियन ईसीजी का टोटल 6 पोस्ट है। इसमें भी कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है, जैसे कि देखिए लेबोरेटरी पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए जो है आपका टोटल कितना था 8 पोस्ट था, जिसमें कि एससी के लिए आपका 2, एसटी के लिए 1 और जनरल के 5 सीट डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद रेडियोग्राफर में क्या है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है, जनरल का 1 पोस्ट कर दिया गया है, ऑप्टोमेट्री का 1 है, वो जनरल के लिए सभी है, ईसीजी टेक्नीशियन में जो भी है आपका सभी के सभी क्या है, जनरल के लिए कर दिया गया है, और नर्स का जो है, फार्मासिस्ट का जो है टोटल 10 था, जिसमें कि 4 है आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 1 है और जनरल के 5 है। इसके बाद है नर्स का, नर्स में क्या है, 22 जो है आपका एससी का है, एसटी का 10 है और जनरल का टोटल 27 पोस्ट है। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त पदों हेतु संबंधित संपर्क योजना के अंतर्गत 30/6/2022 को निम्नानुसार अपेक्षित योग्यता के और अनुभव पूर्ण करने वाले विभागीय कर्मचारी ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। कट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है 30/6/2022 तक का रहेगा। यहाँ पर जो है सबका अलग अलग जो है डिग्री मांगा गया है, क्या किसके लिए क्या डिग्री चाहिए, जैसे कि टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए डिप्लोमा कम से कम आपको होना चाहिए, ठीक है, और सभी के लिए जो है जो जिसके लिए एलिजिबल है वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा कैसे, तो आपको देखिए रिटेन टेस्ट होने वाला है पोस्ट ऑफ, जो भी सभी पोस्ट के लिए टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ओ एम आर सीट के द्वारा होगा, ठीक है, जो गोल करने वाला रहता है ओ एम आर सीट, उसी के बेसिस पे ये एग्ज़ाम होने वाला है, आपको यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन माने क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है मिनिमम होना चाहिए, जनरल के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 35, ठीक है। आवेदन कर्मचारी के लिए आवश्यक जानकारी, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है। इसका जो है अंतिम तिथि बोला गया, आवेदन पत्र संबंधित कार्यस्थल एवं सीएसएल मुख्य कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि जो है 21/7/2022 तक आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है और भी डिटेल्स जानकारी दिया गया है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पर जो दिया गया है, नंबर 1 आवेदन पत्र के स्कैन कॉपी एवं संगलनित अनुगलनक, 2 वांछित विवरण का एक्सेल शीट एवं हस्तांतरित स्कैन कॉपी, ईमेल आईडी माने इस ईमेल आईडी के क्षेत्र द्वारा प्रसिद्ध करने की अंतिम तिथि जो है 28/7/2022 को है। बोला गया है कि जो भी कुछ वहाँ पे लिस्ट निकलेगा, जो भी लिस्ट होगा उसका जो है स्कैन कॉपी, ईमेल आईडी, इतना पे जो है क्षेत्र द्वारा प्रसिद्ध करने की अंतिम तिथि 28/7/2022 को दोपहर गुरुवार के दिन दिया गया है, ठीक है। हार्ड कॉपी जो है आवेदन मूल रूप में
जो है मूल प्राप्ति होने की अंतिम तिथि जो है 4/8/2022 दिया गया है। ठीक है, और भी डिटेल्स जानकारी जो है इसमें क्या रहने वाला है क्या नहीं, डिटेल्स जानकारी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसकी वेबसाइट पर जाइएगा SCCL का, और ये फॉर्म जो है आपको भर के फिलअप करने पड़ेगा। कब तक? 21/7/2022 तक आपको ये जो है फिलअप करके भेजना पड़ेगा डिटेल्स में। ठीक है, और ये फॉर्म जो है वही भर सकते हैं जो इसमें पहले से कार्यरत है इस SCCL में। देखिए साफ साफ पूरा लिख दिया गया है यहाँ पे, यदि आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि ECL एवं CIL की अन्य सहायक कंपनियों तथा ICIL मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत विभागीय कर्मचारी का, बोले जो कार्यरत है विभागीय कर्मचारी, मैन सर्वेयर तकनीशियन एवं पर्यवेक्षक ग्रेड बी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जो भी ETC का जो है डी पद पर चयन के लिए ये जो है प्रक्रिया या वैकेंसी निकाली गई, जो इसे पहले से कार्यरत है, या तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या तो वैसे कोई काम कर रहा हो, ठीक है, उसके लिए है। जैसे कि यहाँ पर भी कॉ में दिया गया है, देखिए SECL एवं CIEL अन्य सहायक कंपनियों में तथा CIL मुख्यालय कोलकाता में कार्यरत इच्छुक विभागीय कर्मचारी से श्रम शक्ति बजट 2021-2022 उपलब्धियां रिक्तियों के अनुसार निम्न सूचित में उल्लेखित पदों को चयन हेतु निर्धारित पत्र में आवेदन पत्र उचित माध्यम से आमंत्रित किया है। वही बोला गया है कि जहाँ पे भी प्रक्रिया माने जो पोस्ट खाली है तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर वहाँ पर काम सेट कर रहे हैं उसी के लिए ये जो है यदि इंटरेस्टेड है तो उसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यदि सही जानकारी लगा हो कि ये मिला है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं चैनल। धन्यवाद।